पानी पूरी किसे नहीं पसंद, और हर मौसम में पानी पूरी सबको अच्छी लगती है खाने में। तो आज हम बनाएंगे पानी पूरी की रेसिपी, और हम बनाएंगे रगड़ा और मीठी चटनी और उसके साथ में तीखा पानी। और ये पूरी भी मैंने एयर फ्रायर में बनाई है, उसका भी लिंक आपको दे दूंगी वीडियो का। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मेरी तो फेवरेट है पानी पूरी, और मुझे लगता है आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और बनाते हैं पानी पूरी रगड़ा और मीठी चटनी तीखा पानी। पहले हम बनाएंगे खट्टा तीखा पानी। इसके लिए हमें चाहिए एक बंच के करीब हरा धनिया, और मैंने हाफ बंच के करीब पुदीना लिया है, और दो हरी मिर्च ले लेंगे। आप तीखा ज्यादा खाते तो ज्यादा डालें। एक इंच अदरक का टुकड़ा, उसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम पीस लेंगे, इसकी चटनी बना लेंगे। ये देखिए, अब एक बाउल में ये चटनी निकाल लेंगे। इसमें हम एक लीटर के करीब पानी डाल देंगे, और अब इसमें हम थोड़ा सा आइस क्यूब डाल देंगे। इससे क्या होगा कि चटनी का कलर हरा ही रहेगा, काला नहीं पड़ेगा। अब हम सूखे मसाले डाल लेते हैं। एक छोटा चम्मच सादा नमक, एक छोटा चम्मच काला नमक, एक छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक बड़ा चम्मच पानी पूरी का मसाला। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप नमक मसाला अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ये परफेक्ट रेशो मैंने बताया वैसे आपको। अब इसमें हम एक नींबू का रस डाल देंगे, इससे आपकी पानी पूरी की पानी खट्टी और तीखी बनेगी। अब इसमें आधा कप बूंदी हम डाल देंगे, और इसे भी अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। घर पर हम पानी पूरी खुद अपने हाथों से बना के खाएंगे तो उसका मजा ही और होगा। अब हम मीठी चटनी बना लेते। इसमें कढ़ाई में मैंने दो कप पानी डाल दिया है। अब इसमें मैं एक कप खजूर का डाल दूंगी, और ये सीडलेस है, इसके सीड निकाल दिए हैं मैंने। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं एक कप इमली डाल रही हूँ, ये भी सीडलेस है, इसके भी सीड मैंने निकाल दिए हुए हैं। इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये चटनी भी 5 मिनट में बन जाती है, इसमें भी कोई ज्यादा झमेला नहीं है बनाने का। ये बना के स्टोर भी करके रख सकते हैं आप। अब इसमें मैं ये एक कप गुड़ का पाउडर डाल रही हूँ। आप कोई भी गुड़ इसमें डाल सकते हैं, और इसे मिक्स करके लो फ्लेम पर हमें इसे 5 मिनट तक पकाना है। इसे 5 मिनट हो चुके हैं, लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने पकाया है। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसे ब्लेंडर जार में डाल के इससे एकदम फाइन पेस्ट इसका हमें बनाना है। जरा भी गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। वैसे तो हम इसे छान लेंगे, अगर कुछ रहा भी तो निकल जाएगा। तो ये देखिए चटनी का कलर कितना अच्छा आया है, आप देख सकते हैं। ये मैंने इसे पीस लिया है, अब मैं इसे छान लेती हूँ ताकि इमली के धागे भी होते हैं वो भी छानने से निकल जाते हैं। तो ये देखिए चटनी का कलर वाकई में बहुत अच्छा आया है, सेम जैसे आप मार्केट में ठेले वाले के पास पानी पूरी खाते हैं उसी तरह। तो इसे हम अच्छे से छान लेंगे, और कितनी जल्दी से ये चटनी बन जाती है। इसे आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, जब भी आप बनाना चाहें पानी पूरी बना सकते हैं। 6 महीने तक खराब नहीं होती है। तो ये लीजिए, मैंने इसे छान लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी गाढ़ी बनी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं, और इसमें बाकी जो सूखे मसाले हमें डालने हैं वो डाल लेते हैं। अब इसमें आधा छोटा चम्मच सादा नमक, एक छोटा चम्मच काला नमक, एक छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आपने देखा कितने जल्दी से ये चटनी तैयार हो गई है। अब हम इसे थोड़ा पतला करेंगे। इसमें मैं एक कप के करीब पानी डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आपको इससे ज्यादा पतला चाहिए तो और भी डाल सकते हैं पानी, नहीं तो इतना परफेक्ट है। अब इसमें हम आधा कप बूंदी का डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे बूंदी डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ठेले वाले भी डालते हैं। तो ये लीजिए पानी पूरी की तैयारी हो चुकी है। अब हम पानी पूरी बनाते हैं। ये पूरी मैंने एयर फ्रायर में बनाई है, इसका लिंक आपको दे दूंगी।
और अब इसमें हम रगड़ा डालेंगे। सॉरी, मैंने रगड़ा बनाने की रेसिपी नहीं शेयर की है, मैं जल्दी इससे भी बना के आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। अब इसमें हम मीठी चटनी डाल देते हैं और ये तीखा पानी डाल देते हैं, और इसे मैं खा के दिखाती हूँ। वाह, बहुत टेस्टी बनी है, और आपके मुंह में भी पानी आ रहा है, तो जल्दी से जाइए और बनाइए। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।